आसंता काली लघुचाप आदिठारु आरंभ हो गला बर्षा 6-10 तारीख पर्यंत राज्यर अधिकांश अंचल वर्षा होगा सहित किसी जिले में प्रबल अति प्रबल होगा नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणिपाग विभाग। ए समय 7-20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा रेकर्ड करा जाय पारे। 8-9 तारीख भितर किसी जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही। वर्षा प्रभाव में तलिया अंचल में पा जमीवा सहित कच्चा रास्ता और कच्चा घर प्रभावित होवार आशंका रही। अति प्रबल वर्षा प्रभाव में असुरक्षित पहाड़िया अंचल में भूस्खलन संभावना भी अच्छी। चाषी को सामयिक भाव में 10 तारीख पर्यंत जमीन में कीटनाशक सार और जलसेचन नक मना कर। ए संपर्क में अधिक सूचना पाई आम प्रतिनिधि मौसुमी महांती आम सहित जोड़ी होती। मौसुमी आज आम देखु भुवनेश्वर और आखपाख अंचल केमी भारी वर्षा भी आरंभ हो गला। सकालु सकालु पाग मेघुआ रही सारा राज्य पाई कौन रही तथ्य काली लघुचाप अच्छी आउ एक लघुचाप 12 तारीख 13 तारीख बेलू आसपा पाणीपाग विभाग कौन कहे एने निश्चित भाव संग्राम पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसगर घूर्णीबल सक्रिय अच्छी जार प्रभाव में पगरे परिवर्तन आसी आज राज्य में वर्षा आरंभ हो सारी। तेज आगामी केते दिन वर्षा रते परिमाण रो कमी प्रभाव रो से विषय आलोचना करने आम सह आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पाणीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास सर कनक न्यूज को आपको स्वागत। सर बहुत गरम गुड़गुड़ी गत काल पर्यटन होता आज पगरे पर आसी तेज घूर्णीबल के सक्रिय अच्छे देखते पूर्व जो सूचना जारी कर कि 6 तारीख रु राज्यर अधिकांश स्थान में वर्तमान हालुकारु मध्यम धरण वर्षा अनुभूत होवार संभावना रहुछि। जोटा पूर्व आकलन जारी करथिला ता अनुसार आमर उपकूल और तार पार्श्ववर्ती जिला गुड़िकर प्राय अंचल वर्तमान मेघुआ पाग रही है और वर्षा मध्य लागि रहिछि। जे देखिबा आमर सकाळ 8:30-11:30 मध्य पुरी में वर्तमान सुधा 87 मिलीमीटर वर्षा जोटा कि प्रबल वर्षार अंतर्भुक्त ये जो 3 घंटा मध्य 87 मिलीमीटर पुरी में रेकर्ड करा जाइछि। ता छड़ा भुवनेश्वर में 24.6 मिलीमीटर वर्षा आम जो एयरपोर्ट अंचल रही है रेकर्ड कर पारादीप 15 मिलीमीटर चांदवाली 15 मिलीमीटर बालेश्वर 13 मिलीमीटर और गोपालपुर 6 मिलीमीटर वर्षा बर्तमान रेकर्ड हो उपकूलवर्ती जिले में अधिक वर्षा है बर्तमान सुधा आम जेहेतु रही जो घूर्णीबलटी रही प्रभाव में आप उपकूल ओडिशा रे प्राय अंचल बर्तमान वर्षा लगि रही है। ये वर्षा प्राय आम एमती ही लगि रही अनुमान आगामी 4 दिन पर्यंत जहाँ पूर्व सूचना जारी कर प्रबल रु अति प्रबल वर्षा बर्तमान रेकर्ड हम और जोटा कि अनुमान कर डे 3 और डे 4 अर्थात आम जोटा कि आज हूँ आम 6 तारीख एवं 8 और 9 आपर वर्षार परिमाण टी अधिक रिच्छी किसी स्थान में अत्यंत प्रबल वर्षा रवना रही। आज ठार् किसी जिला को आम अति प्रबल वर्षा और ये वर्षार परिमाण आम रोच जोटा कि पखापाखि डे 4 अर्थात आम 9 तारीख पर्यंत अधिकांश स्थान में हालुकारु मध्यम धरण वर्षा राज्य अर्थात विस्तृति वर्षा हे और डे जोटा कि 10 तारीख में वर्षार परिमाण सामान्य कमी और आभ्यंतरण ओडिशा से प्रबल वर्षार संभावना रहा। आज घूर्णीबल आसंता काली सुधा आपन देथिबा सूचना अनुसार लघुचापर रूप नव पश्चिम केन्द्र बंगोपसगर से लघुचाप के सक्रिय रही आहरी अधिक घनीभूत अवपात तीव्र अवपात जाए जापर कि नहीं और प्रभाव में ओडिशार कई कौ पार्ट्रे अधिक वर्षा हे देखो बर्तमान जो सूचना रोचे आमर घूर्णीबल स्थित बर्तमान जो रोचे उत्तर पश्चिम बंगोपसगर रही प्रभाव में आसंता काली से ही अंचल ही उत्तर पश्चिम बंगोपसगर पाखापाखी अंचल गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हम और ता प्रभाव में आम जो देखा प्राय ओडिशा आप कारण सबुठू जो जो अंचल लघुचाप क्षेत्र सृष्टि ओडिशार प्रभाव पड़ता है से अंचल बर्तमान लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही तेणु ता प्रभाव में ओडिशार प्राय अंचल वर्षा रहा है। ये वर्षा आप 10 तारीख पर्यंत यार प्रभाव रहा आज ठार 10 तारीख पर्यंत प्रभाव रहा है और उपकूल ओडिशार प्रथम आज जो लक्ष्य कर उपकूल ओडिशा और पार्श्ववर्ती जिला गुड़िकर आम वर्षार परिमाण सामान्य अधिक रीरे धीरे आसंता काली ठार आभ्यंतरण और पार्श्ववर्ती अंचल जो रोचे उपकूल ओडिशा से वर्षार परिमाण बढ़ 8 और 9 सर्वाधिक प्रभाव रहा संभावना रोच। सर चलित बर्ष मौसुमी सीजन ने मौसुमी वर्षा निला कि मात्रा विशेषकर 5 जिले में कम निंटिया वर्षा होता लाइक संबलपुर सुंदरगढ़ यो वर्षा रही से निंटिया वर्षा को पूरण कर निश्चित भाव कारण 4 दिन पर्यंत वर्षा आमर अनुमान कर 5 दिन पर्यंत वर्षा रर्षार परिमाण जेहेतु लघुचाप क्षेत्र सृष्टि सृष्टि होवार संभावना रही तार सर्वाधिक प्रभाव ओडिशा उपर रही अनुमान कर डे 4 और डे 5 8, 9, 7 तारीख यही 3 दिन आम ओडिशार प्राय अंचल भल वर्षा अनुमान कर जोटा कि आम सूचना जारी कर जोटा कि दक्षिण ओडिशा ता छड़ा उपकूल ओडिशा प्राय अंचल भल वर्षा रही है। लघुचाप आस विस्तारित परिसर आकलन अनुजाई आम 13-14 बेलू को गोटे लघुचाप क्षेत्र अर्थात जो आम रोच द्वितीय सप्ताह से समय गोटे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना मरुड़ी आशंका था बर्तमान समय दूरे जीव कि वर्षा
ତେଣୁ ମରୁଡ଼ିର କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ମୌସୁମୀ, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। 10ରେ ଟିକେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 13ରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇକି ବର୍ଷା କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସଂଗ୍ରାମ ଧନ୍ୟବାଦ ମୌସୁମୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଶ୍ରାବଣରେ କେମିତି ବର୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେମିତି ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରା ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଭଲ ପଡ଼ିବ, ଏ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। Largest electronics, home appliances, digital and furniture chain store, Patra Electronics gives you best price and best services. Just pay rupees 1 and take any item with EGMI and get up to 15% cash back. Patra Electronics, 27 stores across Odisha.